फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर वाई एंड द लाइन एक्स इज इक्वल टू फोर वाई माइनस टू। ठीक है, कर्व सही से मतलब देख लीजिए, थोड़ा भी गलती आप करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू वाई अगर कर देते हैं तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए ये वैल्यूज बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो सवाल है मेरे हिसाब से अगली वाली एक्सरसाइज में होना चाहिए, बट अब आगे आए तो हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो लाइन प्लॉट करिए, अब लाइन ही यहां पे सीधी ऐसी या ऐसी लाइन नहीं है, टेढ़ी टाइप की लाइन है। ठीक है, तो 4y इज इक्वल टू बिल्कुल आराम से x प्लस टू यहां आ जाता है ना, y इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4 होता तो 1 बाय 2। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी यानी y इंटरसेप्ट, c कितना है 1 बाई 2 है, तो यहां कहीं मान लो 1 यहां होता है और 1 बाय 4 स्लोप है, तो कुछ ऐसी लाइन है, कैसे भी आप बना दीजिए। मतलब ये इसमें कम से कम ये समझना था कि y एक्सिस को 0 के ऊपर काट रही है या नीचे काट रही है ना, प्लस y में काट रही है या माइनस y में काट रही है, ये देखना जरूरी। ठीक है, अपनी लंबी लाइन बनाइए ताकि कहीं पे भी कर्व को काटे हमें दोबारा ना बनानी पड़े। ठीक है भाई, बड़ा सवाल है ये, क्वाइट कैलकुलेटिव। अब ये पॉइंट क्या होगा, सबसे पहली बात तो ये पॉइंट की वैसे ज्यादा जरूरत नहीं है लेकिन हमें स्टडी करना पड़ेगा इसको। ये पॉइंट होगा कि आप x इज इक्वल टू जीरो डाल दें, है ना, x इज इक्वल टू जीरो डाल दें तो y इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू जीरो डाल दें तो x इज इक्वल टू -2, ऐसा कुछ होगा है ना। अब उसके बाद ये कैसा है, y इज इक्वल टू x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो अगर आप इसमें x इज इक्वल टू -2 डाल दें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, 4 बाय 4 1 हो जाएगा, यानी कि कर्व का जो पॉइंट है वो तो अच्छा खासा ऊपर रहेगा, तो हमें ये चिंता नहीं करनी है कि कर्व इसके बाहर है कि अंदर है। जीरो डालिए तो यहां आ जाएगा, कर्व अपना ऐसा कुछ आएगा, बना लेते हैं काले रंग से ही बना लेते हैं, चलिए ये अपवर्ड पैरा होगा। ठीक है, थोड़ा सुंदरीकरण कर लेते हैं, मैंने थोड़ा रेड लाइन को ऊपर खिसका दिया है, तो ऊपर खिसकाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैंने -2 भी इधर कर दिया ताकि आपको एरिया थोड़ा क्लियरली समझ में आए, वो बहुत छोटा हुआ जा रहा था उसमें, और कोई बात नहीं। अब हम इंटरेस्टेड हैं इन पॉइंट्स में कि भाई ये पॉइंट क्या है और उनका एक्स वैल्यू क्या क्या है। तो आप देखो 4y यहां पे भी है, 4y यहां पे भी है, 4y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 हो सकता है, यहां से भी देख सकते हैं आप, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y इज सिंस 4y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये इसमें डाले दे रहे हैं, क्वाड्रेटिक बनेगी कोई दिक्कत नहीं है, दो पॉइंट है तो क्वाड्रेटिक बननी भी चाहिए। -2x + x - 2 इज इक्वल टू 0, x - 2 + 1x - 2 x - 2 कॉमन x + 1, तो x इज इक्वल टू 2 हमारे काम का पॉइंट हुआ, काम की बाउंड्री हुई, या x इज इक्वल टू -1, -1 पहले लिख लो और 2 बाद में लिख लो वहां बनाने के लिए, तो -1 कहां आएगा, यहां आएगा है, और 2 कहां आएगा, यहां आएगा, ये बात। y कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब अच्छा, एरिया कौन से एरिया में इंटरेस्टेड हम लोग, ये भी बहुत जरूरी है जानना, हम इंटरेस्टेड हैं इस वाले एरिया। अब इस वाले एरिया में इंटरेस्टेड है तो तरीका यह है कि पहले आप ये वाला जो ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का एरिया निकालें, वो भी इंटीग्रेशन से ही निकालें,
उस ट्रेपीजियम में से कर्व के नीचे वाला एरिया यानी कि ये जो व्हाइट वाला एरिया है ये माइनस कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। ये एरिया बिटवीन टू कर्व्स वाला क्वेश्चन है। फिर से देखो, रेड लाइन के नीचे कौन सा एरिया होगा? ये पूरा एरिया जिसमें ये काला और ये सफेद दोनों इंक्लूडेड होंगे, हैं? और हम क्या करें कि काला प्लस सफेद में से सफेद हटा दें तो केवल काला बचेगा, है ना? तो ये स्ट्रेटेजी रहेगी। अब उसको लिखेंगे कैसे, पहले जगह साफ करते हैं। तो शेडेड एरिया क्या हो जाएगा बच्चों? ट्रेपीजियम एबीसीडी का एरिया, एबीसीडी में शेडेड एरिया व्हाइट वाला एरिया सब शामिल है, उसमें से एरिया अंडर कर्व ये वाला कर्व और एक्स एक्सिस के नीचे का जो एरिया है वो माइनस कर दिया है। एरिया अंडर कर्व एंड एक्स एक्सिस बिटवीन एक्स इज इक्वल टू, ये भी अगर लिख दो तो और अच्छा है। मैंने अर्दीप मतलब सेंटेंस में लिख दिया है बिटवीन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन एंड एक्स इज इक्वल टू टू, ये भी लिख सकते हो आप तो और अच्छा बात समझ में आ जाएगी। एग्जामिनर को आप मैसेज दिए दे रहे हैं कि क्या चीज है। अच्छा, अब ट्रेपीजियम का एरिया आप नॉर्मली मत निकालिए, आप भाई इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो इंटीग्रेशन से ही निकालना पड़ेगा। ट्रेपीजियम में लाइन जो है वो ये वाली है एक्स इज इक्वल टू फोर वाई माइनस टू, तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx होगा, याद रखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ y dx होगा क्योंकि हमारी लिमिट्स जो है माइनस वन से लेकर टू जो है वो x में है। तो dx जो होगी अपनी डिफरेंशियल जो होगी वो इस तरह बनेगी, मतलब इसमें क्या होगा ये पूरी स्ट्रिप ले ली जाएगी ऊपर से लेके नीचे तक, है ना? तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं y dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y1 dx, तो आपको बात ज्यादा समझ में आई। अब दो स्ट्रिप में बनाए दे रहा हूं, ठीक है? एक रेड रीजन की स्ट्रिप जिसकी लंबाई पूरी ऊपर से नीचे तक है, रेड लाइन की ये है, ठीक है? ये मैं वाई यहां लिख दे रहा हूं और ये हो गया वाई। समझाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं वरना तो आराम से किया जा सकता है। और फिर इसके नीचे ये स्ट्रिप इतनी ही रहेगी, ये y1 है, ये dx है और ये लाल वाला भी dx है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये वाला जो है ये पूरा ऐसे चलेगा और ये वाला जो है वो ऐसे जीरो फिर बढ़ेगा, ठीक है? तो बस लिमिटें अपनी माइनस वन से लेकर टू दोनों तरफ होंगी, माइनस वन से लेकर टू। यहां पे वाई हम लोग स्ट्रेट लाइन से पाएंगे, यहां पे वाई वन जो हम लोग है वो कर्व से पाएंगे, बस कोई दिक्कत नहीं है। वाई यहां पे कैसा आ रहा है? एक्स डिवाइडेड बाय फोर, तो यहां पहले से ही हम लोग ने काम अपना कर ही लिया है, एक्स बाय फोर प्लस वन बाय टू। अब तो इंटीग्रेशन करना तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, माइनस वन से लेके टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर डीएक्स, बस अब कर डालिए इंटीग्रेट। अब तो यार मतलब आप बड़े आदमी है, इंटीग्रेशन तो हम बहुत जल्दी कर लेते हैं। मैं चाहूंगा कि आपका आंसर मुझसे पहले आए, तो बस लिमिट्स हम लोगों ने रख दी अपना अपर लिमिट लोअर लिमिट, है ना? इंटीग्रेट किया, देखो x बाय फोर को इंटीग्रेट, केवल x ही तो इंटीग्रेट होगा, x स्क्वायर बाय टू हो गया, कांस्टेंट को साथ में लिख दिया, वन बाय टू है तो dx इंटीग्रेट होगा तो x आ जाएगा, x बाय टू लिख दिया, x स्क्वायर का x क्यूब बाय थ्री हो गया, फोर अपना साथ में बना रहा, अपर लिमिट लोअर लिमिट सब पटक दी भयंकर तरीके से, काफी कैलकुलेटिव हुआ जा रहा था बट फिर भी मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। अपर लिमिट देखिए टू रखी गई यहां पे, ऐसा आ गया, माइनस वन रखी गई यहां पे, ऐसा आ गया, माइनस साइन भी लगा दी है मैंने क्योंकि लो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, फिर ये माइनस साइन यहां है, एक्स क्यूब बाय ट्वेल्व, तो एक्स अपर लिमिट टू रखा, लोअर लिमिट माइनस वन रखा, माइनस माइनस वन का होल क्यूब सब कायदे से,
ये माइनस माइनस चार बार हुआ, 1/12, 2³/4, तो यहाँ पे 4 × 2 था, एक चार कट गया, 2/3, उसी तरह ये भी सॉल्व कर लिया, सब फ्रैक्शन एक साथ ले आए, ठीक है। और उसके बाद देखिए 16 × 2 = 18, 21 में से 18 गया 3, 24 × 3 = 27/24, ये आ गया 9/8, 3 से काट दिया अगर तो 9/8 स्क्वायर यूनिट्स। सो दिस क्वेश्चन इज डन।